नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आज देख पा रहे हो स्क्रीन पर, लगभग हमने 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके कारण 3000 दिख रहा है। लगभग ये 6000 7000 के आसपास है। आज थोड़ा स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी, सेबी के नए रूल्स के कारण लिक्विडिटी का इशू हो रहा था, और मैं थोड़ा ट्रैवल भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया। स्कैल्पिंग में जनरली 10 या 20 पॉइंट्स के लिए ट्रेड किया जाता है। तो स्क्रीन एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आज कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, फिर भी आप वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा तो आपके वो फेवर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देख पा रहे हो, मैं ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ पूरे। ये हमारे ऑर्डर से पहले रिजेक्ट हुए थे कुछ वोलेटिलिटी के कारण, फिर शॉर्ट किए थे। 29600 का कॉल एक्चुअली हमने शॉर्ट किया था, उसमें हमने 3000 का प्रॉफिट बना लिया था। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। स्कैल्पिंग एक्चुअली जनरली दोस्तों 10 से 20 पॉइंट के लिए किया जाता है, मैक्सिमम 20-30 पॉइंट्स के लिए किया जाता है। उसमें स्टॉप लॉस भी वैसे 10 या 20-30 मल्टीपल पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी लगाया जाता है। जिस हिसाब से आप प्रॉफिट ले रहे हो उसी हिसाब से लगाए, 1:1 का एक्चुअली रेशियो रहता है। 29600 का कॉल हमने शॉर्ट किया था। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली ट्रैवल कर रहा तो ज़्यादा कुछ मेरे पास इंटरनेट का इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, इसी के कारण मैंने स्कैल्पिंग करना सही समझा। तो देख सकते हो 941 को लिया था, और आखिरी जो ट्रेड 10:00 को ख़त्म हुआ था, और उसका मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ स्कैल्पिंग के पीछे। स्कैल्पिंग में आपको एक मोमेंट कैप्चर करना पड़ता है, जो कि मुझे पहले से ही पसंद है। तो वो मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की थी 10:00 के आसपास, लगभग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये देख रहे हो, ये एक डोजी मतलब एक हैमर टाइप कैंडल बना था बीच में। निफ्टी ये स्पॉट का चार्ट है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ट्रैवल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, और ये जो मूव आया था स्ट्रेट मूव, ये हमने कैप्चर किया था, ठीक है दोस्तों। तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये सारी चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देख सकते हो ये बड़ा सा रेड कैंडल फर्स्ट टाइम बना था, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ से एक टर्न अराउंड हुआ था, ठीक है। तो वही हमने मोमेंट कैप्चर किया था दोस्तों। तो इतना ही था, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लॉजिक के साथ फिर से आएंगे, आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई अपडेट चाहते हो तो इंस्टा का हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमें हमारे तरफ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। तो वीडियो को यही खत्म कर देते हैं दोस्तों, फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो को यही खत्म कर देते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।